नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज मैनपुरी जनपद के जिलाध्यक्ष जिला पंचायत प्रतिनिधि श्री गोविंद भदौरिया जी से की खास मुलाकात। गोविंद भदौरिया जी ने बताया कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हो रही हर मोर्चे पर मजबूत। गोविंद जी ने बताया कि जनपद में कोई नहीं रहेगी कच्ची सड़क, नाली निर्माण, 16 स्ट्रीट लाइट हैं, अनेकों प्रकार के जो भी योजनाएं हैं जनता के बीच जाकर कार्य करवा रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में 325 प्लस सीटों से पुनः बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24/7। आज हमारे मैनपुरी जनपद में हम मुलाकात करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद भदौरिया जी से। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे नगर के रोड में आए जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जी। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जो आपको मैनपुरी जनपद की जनता ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है, आप हमारे चैनल के माध्यम से उनका आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? मैं मैनपुरी जनपद की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष मेरी पत्नी को बनाया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पूरे 5 साल में उनकी या जीवन भर में उनकी सेवा करूँगा। सर अभी ऐसे कौन कौन से रनिंग एक्ट में वर्क चल रहे हैं जो आप मैनपुरी जनपद वासियों के लिए कौन कौन से वर्क करा रहे हैं? लगभग 25 करोड़ से ऊपर की हमारी जो गाँव में जो सड़कों का निर्माण हम कर रहे हैं, जो गांव में काफ़ी स्थिति बेहाल थी उनको हम सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और 5 साल लगातार हम करते रहेंगे। और गांव में सौर ऊर्जा है, लाइट है, जहां गांव में अंधेरा रहता था, हमारे मोदी जी योगी जी चाहते हैं हर गांव में प्रकाश की नई किरण आए, उस पर हम पूरा काम करेंगे जी। अब सर बात कर लेते हैं इलेक्शन 2022 का जो चुनावी रण चल रहा है उसकी तरफ नज़र डालते हैं सर। अभी जो जनता के बीच आप जनसंपर्क कर रहे हैं, वो ऐसे कौन कौन सी योजनाएं या ऐसे कौन कौन से आपने कार्य कराए जो जनता को बता रहे हैं जिससे जनता आपको दोबारा सपोर्ट कर सके? हमारे प्रदेश में और देश में जो डबल इंजन की सरकार है मोदी जी योगी जी की, जो एक सुपरहिट जोड़ी जो साबित हुई है, उसमें जैसे हम जनता के बीच में ये लेके जा रहे हैं कि सबसे पहले है विकास। जो सरकार, हमारी सरकार पर कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जैसे कि 100 रुपये अगर सरकार के खजाने में आता है तो 100 रुपये पूरा जनता के विकास के लिए लगाते हैं। और हमारा मुद्दा एक सबसे अहम मुद्दा है हमारा सुरक्षा व्यवस्था का, जो योगी जी ने पूरे प्रदेश में एक कायम किया है, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त थी, उसको योगी जी ने जो प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को भारत की दूसरे नंबर पर लाने का काम किया है, मैं योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और उनकी सराहना करता हूँ। सर आपसे बहुत एक अहम सवाल सर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के साथ साथ आप पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी, सर आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, आपने अभी हाल ही में देखा होगा 10 से 15 दिन में राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, आपकी पार्टी से भी विपक्ष से भी इधर से उधर लोग गए, आपको क्या लगता है इन लोगों के जाने से ये लोग व्यक्ति विशेष ट्रांसफर हुआ है कि इनके पीछे जुड़ा हुआ बोझ भी ट्रांसफर हुआ है, बताएं सर? आपको आप भी गांव-गांव जा रहे हैं जी, जो मोदी जी और योगी जी की जो योजनाएं हैं उनसे मुझे ये लगता है, मेरा ये अपना मानना है कि किसी व्यक्ति विशेष के या किसी ठेकेदार के पास अब वोट का कोई वो औचित्य नहीं रह गया है। जो भी योजनाएं हैं जब दिल्ली से चलती हैं या प्रदेश से चलती हैं, वो सीधी गरीब के द्वार और गरीब के घर तक सीधी पहुंच रही हैं, तो इसलिए मेरा मानना है कि अब ठेकेदारी सब सरकार ने ख़त्म कर दी है। हमारे मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में जो लोग ठेका लेते थे कि हम इस पार्टी में चले जाएंगे तो 10-20 हज़ार रुपये हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे या उधर कर देंगे, अब गरीब जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, वो जनता योगी जी और मोदी जी के, गरीबों ने अपने दिल में बहुत बड़ी जगह बनाई है। सर यही बात कर, आपकी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप बाल लगा है सर, किसान की बात कर लेते सर, देखा हुआ जो किसान बिल आपकी गवर्नमेंट ने पहले सर अप्लाई किया और कुछ समय बाद विड्रॉ कर लिया, ऐसा बिल अच्छा था या खराब था पहले अप्लाई करना और विड्रॉ करना, क्या है सर ये बताएं? आज तक आप ये बताइए, हमारे मोदी जी ने जो भी फैसले देश हित में, राष्ट्र हित में लिए हैं, कभी उन्होंने कोई व्यक्तिगत फैसला या पार्टी के लिए फैसला नहीं लिया, जो भी लिया उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए लिया। कुछ लोगों को समझ में किसान बिल नहीं आया तो मोदी जी के पास
ये रहा होगा कि किसान बिल से कुछ लोग नाराज हैं तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया, मगर जो जिन लोगों ने वहाँ लाल किले पे जो तिरंगा का अपमान किया, ये सारी घटनाएं जो हुई हैं ये बड़ा निंदनीय है। और वो मेरा ये मानना है वो किसान नहीं है, वो ठेकेदार जिन्होंने ये ऐसा शर्मनाक जो काम किया है, जो लाल किले पे हमारे तिरंगा का जो अपमान किया है, हमारे देश की जो गरिमा विदेशों में जो उन्होंने खराब करने का काम किया है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। असली किसान जो होगा वो राष्ट्रहित की बात करेगा, और बिल सही था या गलत था वो एक अलग बात है, मगर लाल किले पे जो किसानों ने जो इन्होंने ठेकेदारों ने जो किया है ये इनको नहीं करना चाहिए था। अब सर बात कर लेते हैं युवाओं की। सर आप भी एक युवा हैं, शिक्षित भी हैं, सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे आप युवाओं के लिए जिला पंचायत स्तर से ऐसा कौन सा वर्क करना चाहेंगे जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले और जिससे युवा आगे बढ़े। देखिए, जिला पंचायत से हम पूरा प्रयास करेंगे कि लड़कियों के लिए एक महिला विद्यालय की योजना हो जी, या जिला पंचायत में हमारे यहाँ दो कॉलेज हैं उनको एक अच्छा टेक्नोलॉजी उनको हम देने का प्रयास पूरा करेंगे, और नए भी स्कूल हम जिला पंचायत द्वारा सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जिला पंचायत की जो ज़मीन पड़ी है उन पर हम जिले में करीबन करीबन 4-5 स्कूल महिला विद्यालय इंटर कॉलेज बॉयज़ के लिए हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जब हमारा युवा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा जी। सर अब जिसे यूपी की जनता को इंतजार है, हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं सर, 10 मार्च 2022 को जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम आ रहा है, आप अपनी पार्टी को किससे कह पा रहे हैं, क्या आंकलन है आपका? हमारा आकलन ये है कि पिछले बार हमारी लहर थी, इस बार हमारी सुनामी है। हमारे मोदी जी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में लोगों में ये विश्वास पैदा कर दिया है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। इसको लेके 325 प्लस सीटें हमारी आ रही हैं। हमारे साथ उपस्थित थे गोविंद भदौरिया जी, उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि 10 मार्च 2022 को जिसका यूपी विधानसभा का परिणाम आ रहा है उसमें 325 प्लस सीटों के साथ पुनः भाजपा सरकार करेगी बातचीत।